उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा सीट पर चुनावी माहौल इन दिनों गरमाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन से जुड़े तमाम शीर्ष नेता मैनपुरी में कायम कर रहे हैं। जातीय समीकरणों को साथ कर भाजपा समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंधमारी की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ मुलायम कुनबा एक साथ चुनावी मैदान में उतर गया है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के नामांकन के पहले तक जो शिवपाल यादव अखिलेश यादव से अपनी राहें अलग कर सियासत की बात कर रहे थे, वे अब बहु डिंपल यादव को जीत दिलाने के लिए दर दर पहुंच रहे हैं, मतदाताओं को रिझा रहे हैं। वहीं आज सपा प्रत्याशी डिंपल यादव मैनपुरी जिले में करहल विधानसभा के ग्राम रठेरा में पहुंची। ग्राम रठेरा यादव बाहुल्य गांव है, यहां करीब 5000 वोटर हैं। डिंपल यादव गांव में करीब 2 घंटे रुकी और अपने लिए वोट मांगे। आज पूरा गांव समाजवादी हो गया। रठेरा में पहुंची डिंपल यादव ने कहा, सभी लोग मेरा साथ दे रहे हैं, एक एक वोट साइकिल को दें, पूरा क्षेत्र नेताजी का परिवार रहा है, नेताजी ने सभी के सम्मान की लड़ाई लड़ी है। डिंपल ने कहा, प्रशासन सख्ती करेगा लेकिन वोट कम ना हो। दूसरे संबोधन में डिंपल यादव ने अपनी पूर्व सरकार के कार्य गिनाते हुए कहा कि सपा सरकार में मुफ्त दवाई, मुफ्त शिक्षा मिली। उन्होंने कहा कि आप सभी के गांव में बच्चों को लैपटॉप दिए गए थे, किसी न किसी गांव में पेंशन पहुंची होगी। समाजवादी पार्टी नेताजी के सिद्धांतों पर चली है। इस दौरान इंद्रवीर सिंह प्रधानाचार्य, चंद्रवीर सिंह, उमेश चंद्र, जुगल किशोर, धर्मेंद्र यादव, राघवेंद्र सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, प्रदीप यादव, सुमित यादव आदि लोग उपस्थित रहे। आप देख रहे थे मैनपुरी से ब्यूरो रिपोर्ट।